चलिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडिया का कुछ वीजा रेजिम देखा, उसी में आगे हम देखते हैं पासपोर्ट लेजिस्लेशन। भारत में पासपोर्ट और वीजा यानी भारत के बाहर से दूसरे देशों से भारत में आने वाले लोगों के लिए क्या कुछ नियम कानून भारत में है, तो ये नियम कानून भारत के भारत में आने वाले लोगों के लिए लागू होता है। पहला है द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, उसकी जगह में नया एक्ट आ चुका है, ये ब्रिटिश काल का है, द पासपोर्ट एक्ट 1967, द पासपोर्ट एक्ट 1967। ये एक्ट ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत में बिना पासपोर्ट के नहीं आ सकता, ठीक है, और पासपोर्ट के साथ साथ उसको डिफरेंट टाइप के वीजा भी, वो किस पर्पज के लिए आ रहा है उस हिसाब से उसको वीजा भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। द फॉरनर्स एक्ट 1946, वे व्यक्ति जो बिना पासपोर्ट बिना वीजा के आते हैं भारत में उनको फॉरनर्स इलीगल फॉरनर्स मानकर के माना जाता है, इस एक्ट के तहत उनके उन पर कार्रवाई की जाती है। द इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन ऑफ बाय ट्रिब्यूनल एक्ट, इसको बोला जाता है IDMD एक्ट 1983, जिसके बारे में हम लोगों ने जब NCR वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो उसमें हमने ये देखा था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं भारत में कितने प्रकार का वीजा भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, टाइप्स ऑफ वीजा प्रोवाइडेड बाय इंडिया। इसमें हम लोगों ने तीन यहाँ पर कॉलम बना रखे हैं, इधर हम देखेंगे वीजा का टाइप, इधर देखेंगे पीरियड माने कितने साल के लिए वो दिया जाता है, और एक्सपेंडेबिलिटी का मतलब है अगर वो टाइम जो है, अगर वो टाइम जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए आपको वीजा दिया गया है यदि वो समाप्त हो जाए तो क्या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ये देखेंगे, ठीक है। चलिए तो टाइप में टूरिस्ट वीजा मैक्सिमम 5 ईयर के लिए, यहाँ पर जितने मैक्सिमम ये पीरियड लिखे हैं ये मैक्सिमम पीरियड है आपको याद रखना, ठीक है, तो मैक्सिमम पीरियड 5 ईयर, एक्सटेंडेबिलिटी अगर 5 साल खत्म हो जाए फिर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, आंसर है नहीं। ट्रांजिट वीजा, ट्रांजिट माने आप जा रहे हैं कोई और देश और भारत में 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ट्रांजिट यानी रुके हैं, रास्ते में पड़ा है भारत, ठीक है, तो ये ट्रांजिट वीजा कहलाता है, मैक्सिमम 15 डेज के लिए मिलता है, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। बिजनेस वीजा मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ पीरियड, उसको एक्सटेंड कुछ सर्कमस्टेंसेस में किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा मैक्सिमम 1 ईयर या जो आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, POC का मतलब है यहां पर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एम्प्लॉयमेंट यदि आपने 1 साल या जितने समय का आपका कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 1 ईयर या पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लेस, जो कम हो, अगर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा है तो मैक्सिमम 1 साल के लिए ही वैलिड होगा, ठीक है, और अगर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से कम का है तो उतने समय के लिए वैलिड होगा, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, यस आंसर है। स्टूडेंट वीजा 5 ईयर के लिए या पीरियड ऑफ कोर्स, यहां पर कोर्स लिखा है, जितने साल का कोर्स होगा या मैक्सिमम 5 ईयर, इसमें से जो भी कम होगा उतने साल के लिए वैलिड होगा, उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वीजा, मतलब जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनको दी जाने वाली वीजा PIO वीजा कहलाती है, पीरियड 5 साल के लिए होता है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इंटर्न कुछ कॉलेजेस में, बिजनेस एंटरप्राइजेस में या गवर्नमेंट में इंटर्न काम किया जाता है, तो ये जो इंटर्न काम है उसके लिए 1 ईयर या जो पीरियड ऑफ कोर्स है, ठीक है, जो भी कम होगा उसमें उसको वैलिड माना जाएगा और उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। फिल्म शूटिंग वूटिंग के लिए अगर मान लीजिए हॉलीवुड के लोग या कोई और देश के लोग हमारे यहाँ आते हैं फिल्म शूटिंग करते हैं, ठीक है, तो उनको मैक्सिमम 1 ईयर या पीरियड ऑफ कोर्स माने जितने समय तक उनका शूटिंग है या 1 साल में जो कम होगा उसके लिए वैलिड होगा और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, आंसर यस। ई वीजा, ठीक है, ई वीजा माने आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से वीजा प्राप्त करते हैं, उसके अगर ई वीजा आप लेके आते हैं तो 60 डेज उसकी वैलिडिटी होती है और उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मेडिकल वीजा 1 ईयर या पीरियड ऑफ कोर्स, जितने समय के लिए आपका ट्रीटमेंट है या 1 ईयर में से जो भी कम होगा और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के वीजा होते हैं, डिप्लोमेटिक वीजा होता है, ठीक है, काउंसलर वीजा होता है, ऐसे कई प्रकार के वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा होता है, ऐसे तमाम प्रकार के वीजा हैं, ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट दुनिया में ये सभी प्रकार के वीजा चलते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वीजा रिक्वायरमेंट बाय इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक यदि भारत के बाहर कहीं जा रहे हैं तो उनको किस प्रकार की वीजा की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन कौन से देश ऐसे हैं जो वीजा ऑन अराइवल स्कीम इंडिया के लिए लागू किए हैं, ये तमाम बातें, ठीक है। तो भारत में वीजा फ्री
वीजा फ्री माने उस देश में जाने के लिए आपको वीजा ही नहीं चाहिए, या वीजा ऑन अराइवल VOA। ये 58 दुनिया के 58 देशों ने भारत को ये सुविधा दे रखी है, जिसमें से वीजा फ्री देशों की संख्या 22 से लगभग 22 23 24 के आसपास है, ठीक है। तो 58 में से लगभग 24 घटा दो तो 34-35 देश वीजा ऑन अराइवल स्कीम इंडिया के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोनों को, हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। तो दुनिया के ऐसे देश जहां जाने के लिए भारत के नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे देशों की लिस्ट है ये, ठीक है। इस लिस्ट में ज्यादातर देश कैरेबियन आइलैंड के हैं, लैटिन अमेरिका के हैं, यानी लैटिन अमेरिका में कैरेबियन आइलैंड भी आ जाता है, तो लैटिन अमेरिका के देश हैं या अफ्रीका के देश हैं। यूरोप का केवल एक देश है, दैट इज सर्बिया। नॉर्थ अमेरिका का एक भी देश नहीं है, ठीक है। साउथ अमेरिका का भी एक भी देश नहीं है, ठीक है। और आपके ओशनिया में भी जो है माइक्रोनेशिया है उसमें। तो हम पूरा लिस्ट देख लेते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि इस पूरे वीजा फ्री वाले जो लिस्ट है उसको आप कॉन्टिनेंट वाइज जमा लीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, फिर आपका कैरेबियन आइलैंड वाला ये है, फिर यूरोप है, फिर अफ्रीका है, ऐसे आप जमा लेंगे, ठीक है। मैं आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे यहां लिखा है, मैं उसको पढ़ देता हूं। बारबाडोस ये कैरेबियन देश है, भूटान हमारा एशियन देश है, डोमिनिका रिपब्लिक कैरेबियन देश है या लैटिन अमेरिका का देश है, एल सल्वाडोर लैटिन अमेरिका, फिजी ये भी जो है कैरेबियन आइलैंड में है, ठीक है, ग्रेनाडा, हैती, इंडोनेशिया, जमैका, मालदीव, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया ओशनिया में कुछ आइलैंड्स का ग्रुप है, नेपाल, कतर, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, सेनेगल अफ्रीका का देश है, सर्बिया ये मात्र एक यूरोप का देश है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये कैरेबियन आइलैंड का देश है, ट्यूनिशिया अफ्रीकन देश है, बांताउन एंड पार्ट्स ऑफ फ्यू कंट्रीज। पार्ट्स ऑफ फ्यू कंट्रीज का मतलब है कोई देश एज अ होल अपने यहां वीजा फ्री परमिट नहीं देता, लेकिन उसके किसी पार्ट में आप जा सकते हैं बिना वीजा के। उदाहरण चाइना आप नहीं जा सकते बिना वीजा के, लेकिन चाइना में जो मकाऊ है वहां आप बिना वीजा के जा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार न्यूजीलैंड आप नहीं जा सकते बिना वीजा के, लेकिन न्यूजीलैंड में कुछ छोटे मोटे आइलैंड हैं जो न्यूजीलैंड के हैं, आप वहां जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार रसिया में भी है। तो ऐसे कुछ देश हैं जहां पर कुछ लिमिटेड एरिया में हम बिना वीजा के जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या लगभग 22-23 के आसपास ये संख्या है जहां वीजा फ्री कंट्रीज हैं। वीजा ऑन अराइवल, पहले हम इस टर्म की मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि किन किन देशों ने इंडिया को ये वाली फैसिलिटी दे रखी है। तो वीजा ऑन अराइवल क्या है, ट्रेवलर्स नीड टू ऑब्टेन वीजा इन ऑर्डर टू इंटर अ डेस्टिनेशन कंट्री व्हाट इट कैन बी ऑब्टेन अपॉन अराइवल। कुल मिलाकर के वीजा ऑन अराइवल का मतलब ये होता है कि एक तो ये होता है कि मैं इंडिया से स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बना रहा हूं, तो मुझे जब तक वीजा नहीं मिलेगा ना मैं प्लान बना सकता ना मैं इंडिया छोड़ के जा सकता, यानी घूमने जाने के पहले वीजा मिल जाना, ठीक है। उसके अलग होता है वीजा ऑन अराइवल, यानी जिन देशों को हमने ये छूट दे रखी है या इंडिया को जिन देशों ने छूट दे रखी है, वे लोग जब मर्जी चाहे तब घूमने जा सकते हैं, और उस देश के एयरपोर्ट में जब उतरेंगे तो उनको अराइवल माने पहुंचने पर उनको वीजा लेना पड़ेगा, पर्पज बताना पड़ेगा, इस पर्पज के लिए आए हैं, तो हम टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेस क्या है, ठीक है। तो पहुंचने पर वीजा, यानी थोड़ी सी आसान प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, इसकी परिभाषा हो गई। फॉर इंडियन सिटीजंस 35+ कंट्रीज, भारत के लिए 35-36 देशों ने यह सुविधा भारत के देशों को भारत के नागरिकों को दे रखी है। इसकी लिस्ट जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जो ज्यादा हद तक देश हैं वो लैटिन अमेरिका के देश हैं और अफ्रीका के देश हैं, ठीक है। चलिए तो ये इतनी जानकारी हो गई। तो जब कभी आपको भारत के बाहर घूमने जाना है आप इनमें से किसी देश को चुन लीजिए, ये सस्ते भी हैं, वीजा भी नहीं लगते और भारतीयों का अच्छा खासा सम्मान इन जगहों पर किया जाता है। चलिए अब इंडियन टेरिटरीज रेगुलेटेड फॉर टूरिज्म, भारत के सभी क्षेत्रों में टूरिज्म की बराबर परमिशन नहीं है। तो भारत के पूरे टेरिटरी को हमने टूरिज्म की दृष्टि से वहां पर जाने के लिए, कुछ क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष परमिट की जरूरत पड़ती है। तो वो परमिट कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। पहला है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ये एक विशेष परमिट है
जो उन जगहों में घूमने जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा जो इस लिस्ट में आते हैं। देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम, अर्थात ये भारत के इंटरनेशनल बाउंड्री से लगने वाले देश हैं, राज्य हैं, सॉरी, ठीक है। इन राज्यों में यदि आपको पर्यटन करने जाना है तो आपको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। वहां विशेष प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर के कभी कभी अलाउड नहीं किया जाता, या अलाउ किया जाता है तो विदाउट परमिशन इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। रेस्ट्रिक्टेड एरिया का मतलब आम आदमी के लिए जनरली वो बंद है, वहां आप पर्यटन करने नहीं आ सकते, लेकिन विशेष अवस्थाओं में रिसर्चर्स लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को, डिप्लोमेटिक लोगों को, ठीक है, या और भी कुछ स्पेशल कैटेगरी लोगों को वहां पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट दे दिया जाता है और वहां पर वो लोग टूरिज्म के पर्पज से या कुछ और काम से जा सकते हैं। जैसे कि ऐसा इस लिस्ट में शामिल है अंडमान निकोबार आइलैंड और पार्ट्स ऑफ सिक्किम, चलिए, ठीक है। चलिए इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का मतलब यह है कि अगर इन राज्यों में घूमने जाना है तो आपको उन राज्यों के मुख्यमंत्री से यानी उस राज्य की सरकार से आपको पहले रिटर्न में परमिशन चाहिए होगा। वो आपको एक आईडी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, फिर आईडी डॉक्यूमेंट लेकर के आप उन जगहों पर घूमने जा सकते हैं, बसने जा सकते हैं। यहां पर टूरिज्म प्लस रेजिडेंस दोनों का है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट से देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यानी नॉर्थ ईस्ट के ही चार स्टेट से, ठीक है। ऐसा विशेष रूप से उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। और चौथा नंबर पर है स्पेशल परमिट। स्पेशल परमिट लेके जाना आपको लक्षद्वीप एंड ट्राइबल एरियाज। लक्षद्वीप आप पर्यटन करने नहीं जा सकते विदाउट स्पेशल परमिट, और ट्राइबल एरियाज में आप टूरिज्म करने नहीं जा सकते विदाउट स्पेशल परमिट, ठीक है। तो ये टूरिज्म के हिसाब से भारत की टेरिटरीज को चार भागों में, और पांचवें नंबर पे आ जाएगा कि होली परमिटेड एरियाज, ठीक है, यानी जहां पर जाने के लिए आपको किसी प्रकार के परमिशन की जरूरत नहीं है। शर्त यही है कि कोई वॉर टाइम ना हो, ठीक है, कर्फ्यू टाइम ना हो, धारा 144 ना लगी हो, एपिडेमिक का टाइम ना हो, कोरोना वायरस का, ठीक है, ये तमाम चीजें ये ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं इंटरनेशनल टीएनटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। टीएनटी माने इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला है एडवेंचर टूरिज्म रिसर्च एसोसिएशन, स्कॉटलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। एशिया पैसिफिक टूरिज्म एसोसिएशन एपीटीए, बुसान साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म एंड लेजर एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज एटलस, द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन टूरिज्म एसोसिएशन लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर टूरिज्म इकोनॉमिक्स वेलिंगटन न्यूजीलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन वियना, बस इनका हेडक्वार्टर याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, बस डिटेल्स याद करना छठवें नंबर का। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको UNWTO कहते हैं, ठीक है, अगर केवल WTO का है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की संस्था नहीं है, यूएन के साथ में कोलैबोरेट करके काम करती है, लेकिन ये यूएन की संस्था है, ठीक है। इनमें से ये जो मैंने अभी तक आपको अभी खैर आगे में बता दूं, तो ये जो UNWTO है इसकी स्थापना 1974 में की गई, इसका हेडक्वार्टर स्पेन के मैड्रिड में है। अब तक इस पे 158 देश हैं मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। ये एक रिपोर्ट जारी करती है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, और दूसरी रिपोर्ट होती है वीसा ओपननेस रिपोर्ट। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है फलाना रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। और 27 सितंबर 1974 को ही इसका ये जो UNWTO एग्जिस्टेंस में आया था, इसलिए 27 सितंबर को प्रति साल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। सातवें नंबर पे वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल WTTC, ठीक है, एस्टैब्लिश 1990, हेडक्वार्टर लंदन, और ये एक अवार्ड प्रस्तुत करती है वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड, इसके अलावा रिपोर्ट भी जारी करती है। तो हम इसके बाद देखेंगे ट्रैवल एवं टूरिज्म रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इनमें से इंडिया जो है वो मेंबर है आपका दो नंबर, माने एशिया पैसिफिक टूरिज्म इसका मेंबर है, दो नंबर में लिखा हुआ है, इसके अलावा 6 और 7 नंबर का मेंबर है, बाकी का मेंबर नहीं। तो 7 में से भारत इन 3 का मेंबर है, 4 का मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ टूरिज्म का ये इंटरनेशनल वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म, और फिर हम आगे पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और आखिरी में हम लोग बात करेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में इंडिया की प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशंस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। थैंक यू।